1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दुकान पे आ गए हैं और पैसा निकलवा लिया है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम दोनों बहुत अच्छे भी हैं, खुश भी। और गाइस आज बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, मतलब इतना ज़्यादा खुश हैं कि क्या ही बताएं, खुशी का ठिकाना नहीं है। गाइस आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट जो दिया है, और गाइस मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। इतना ज़्यादा जो खुश है वो उसकी वजह सिर्फ आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों के इतना प्यार और सपोर्ट की वजह से गाइस हमारा गूगल एडसेंस पिन आया, हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ, 0 से अब 14K फैमिली होने वाले हैं हमारे पास। और गाइस आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आज हमारा फर्स्ट पेमेंट भी आ गया है। और गाइस बहुत मतलब जब मैसेज आया तो ना 21 तारीख को मेल आया और फिर 23 तारीख को ही हमारा पेमेंट आ गया था, लेकिन दिक्कत थी, इस वजह से हम निकालने नहीं जा पा रहे थे मतलब। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपना फर्स्ट पेमेंट निकालने के लिए बैंक, और ये देखो पूरा रेडी हो के खड़ी है, तैयार हो, ये आ गए हैं जॉब से, हम जा रहे हैं निकालने, तो वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। और गाइस अभी निकाल के लाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कितना आया है, कितना टाइम लगा और कितनी मेहनत करनी पड़ी गाइस, कितने ताने, कितने बकवास, कितने के बाद सुनने को मिला, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत खुश रहेंगे, खुशी रहेंगे और ऐसे मन लगा के काम करते रहेंगे। और गाइस अभी आके मिलते हैं, फिर बहुत सारी बातें करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं पूरा पेमेंट कितना आया है, कब आया है, कैसे आया है, सारा कुछ दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि आप लोग ही हमारे सब कुछ हैं, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। तो अभी चलते हैं पेमेंट निकालने के लिए। पैसा निकलवा लिया है, यहाँ से भैया गिन रहे हैं, देख सकते हैं आप, गाइस पैसे ले लिए हैं, देख सकते हैं आप लोग, गिन लो आप खुद ही गिन लो। तो गाइस हमारे पैसे आ गए इतने सारे, भैया को पता चला कि यूट्यूब से आया तो भैया भी बहुत खुश हो गया, बता भी रहे। गाइस ये आ गई हैं यहाँ पे लड्डू खरीदने, फर्स्ट पेमेंट की खुशी में बहुत सारा लड्डू खरीदेंगे, मोतीचूर वाले हैं, कौन से, बूंदी वाले, बहुत अच्छे वाले जो हनुमान जी को पसंद हैं, और फिर मंगलवार को बांटेंगे बहुत सारा यहाँ पे, भैया तोल रहे हैं, तोलो कहा तो मोदी हम ही है। सर लड्डू भी ले लिया है और सब्जी वगैरह सब ले लिया है, बलर आ रहा है। गाइस फाइनली लड्डू वगैरह सारा कुछ ले लिए हैं और आप देख सकते हैं कितना सारा लड्डू ले लिया है, अब चलते हैं घर पे। गाइस फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं और अभी आ गए हैं अंदर, आप देख सकते हैं इतना सारा सामान, ये लड्डू भी लेके आ गए हैं और सारा कुछ लेके आ गए हैं घर पे गाइज। और गर्मी बहुत हो रही है और पहुंच के मतलब बहुत ज़्यादा धूप से आए हैं ना, तो अभी जाके हम लोग कपड़े चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा मुंह हाथ पैर धो लेते हैं, पानी वगैरह पी के फिर मिलते हैं गाइज, है ना। इन्हें देखो चकाचक हो रही है, बिल्कुल कितनी खुश हो रही है, लौट जा पगला, कितनी खुशी, कितनी खुशी। तो मैं गाइस बहुत 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 खुश हूँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अरे अरे अरे, अब मुझे गर्मी लग रही, प्यास लग रही, तो बाद में मिलते हैं। ओके सो गाइस फाइनली हम घर पे आ चुके हैं
और नहा धो के अपना थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लिए थे और अब आके बैठे हैं गाइस। तो बहुत ही खुशी मिल रही है क्योंकि हम अभी पैसा निकाल के आए हैं और गाइस मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि मतलब इस पैसे के लिए कितना सारा सुनना पड़ता है, कितना सुनना बहुत कुछ हम लोगों ने सुनना भी, सहा भी, बर्दाश्त भी किया। और गाइस मतलब बहुत सारा कुछ यूट्यूब पे अगर आपको काम करना है, कामयाब होना है, कुछ भी सक्सेस पाना है तो सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, कहीं भी आपको सुनना पड़ेगा। कुछ भी करने जाओगे ना तो लोग बोलेंगे ये कर रहे हैं, अब ये डैम बन जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे करके। और जो आपके घर में होंगे बड़े लोग, उन्हें आसपास के लोग भड़काएंगे भी कि उन्हें क्योंकि उन्हें पता होता है ये अच्छा काम है, फिर भी वो लोग भड़काएंगे कि कोई नहीं चाहता है आसपास का, या कोई भी नहीं चाहता कि कोई आगे बढ़े या कुछ करे, है ना? नहीं, हकीकत। तो इसीलिए आप लोगों को कोई भी बोले या कुछ भी कहे तो उसे माइंड मत करिए, इग्नोर करिए। आप और जो सोच के रखे हैं कि ये करना है वही करिए, वो काम करिए आप और आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है खुद के पैरों पे खड़ा होना, खुद कुछ करके दिखाना। क्योंकि बोलने वाले बोलेंगे, आप चाहे अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो उनका बोलना ही काम है, वो हमेशा आपको डीमोटिवेट ही करेंगे। लेकिन आपको खुद को मोटिवेट करके रखना है और कुछ करना है तो आप करिए। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल मत सुनिए जो चार लोग यहाँ वहाँ खड़े होकर बातें बनाते हैं। उनको बातें ही बनानी है। हाँ, क्योंकि उन्हें सिर्फ बातें ही बनानी होती है। तो जब आपका कुछ बिगड़ेगा, कुछ खराब होगा तो वो चार लोग बैठ के बस बातें बनाएंगे, उन्हें ही चाहिए। और हाँ गाइस, जब हमारा पहला चैनल डिलीट हुआ था या कुछ भी हुआ था, उसमें हम शॉर्ट्स वीडियो बना रहे थे, तो हमारे मतलब घर में दादा जी को और किसी को किसी ने वीडियो दिखाई थी, किसी को पता नहीं था, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे ना, इतना गुस्से हुए थे कि गाली गलौज सब कुछ, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो गया था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये इतनी बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, वीडियो बनाना कोई गलत नहीं है। तो किसी ने दिखाया और भड़काया, लड़ाया, तो हमारी लड़ाई हो गई और दादा ने सारे रिश्तेदार ने सबने हमसे बोलना बंद कर दिया, मतलब ही रखना बंद कर दिया कि हमसे बात ही मत करो, जैसे लग रहा था कि किसका मर्डर करके आ गया। तो अभी तक मतलब बात नहीं करते हैं, लेकिन अब हमारा फर्स्ट पेमेंट आ गया है, तो ऐसे करके जब पेमेंट आने लगेगा तो थोड़ा सा लगता है कि आगे चल के ठीक हो जाए। हमें पता है, हम यकीन दिला देंगे दादा दादी को भी, सबको, पूरी फैमिली जो भी है, क्योंकि सबको यकीन हो जाएगा ना कि हाँ ये सच में है, ये काम है, इस पर भी काम करके हम अपनी जिंदगी का मतलब चला सकते हैं, अच्छा खासा कर सकते हैं सब कुछ भी। और गाइज तो, हर एक प्लेटफॉर्म में मेन चीज है पैसा। तो गाइज आप लोग भी काम करिए और आगे बढ़िए, और इन चार लोगों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चार लोग वही है जो हमेशा आपको बर्बाद करने की सोचेंगे, डिमोटिवेट करने की सोचेंगे। तो गाइज हम भी इस स्थिति से गुजरे हैं कि बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हम लोग तो रो रो के चुप हुए हैं। हाँ, इतना ज्यादा, लेकिन हम कभी किसी की बातों में नहीं आए। हमें भी लोग बोले ये वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो हमने उन्हें इग्नोर करा और करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। और हमें लगभग 2 साल हो गए वीडियो बनाते दूसरे चैनल पे, लेकिन इस पे तो अभी 4 महीने हुआ है, और 4 महीने में चैनल हमारा आप लोगों के सपोर्ट से मोनिटाइज भी हो गया और हमारा फर्स्ट पेमेंट भी आ गया आपके प्यार और सपोर्ट से। भाई जान, हम बहुत ज्यादा, सब कुछ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है, नहीं तो ये मुमकिन नहीं था। हाँ, तो ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बरसाए रखिए और डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि सब कुछ मुमकिन है, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नामुमकिन नहीं कर सकते हो, बस आपको हिम्मत नहीं हारना है, करते रहना है। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट पेमेंट आ गई है, और ये रही आप लोगों का ये प्यार और सपोर्ट है लोग, ये है तुम्हारी पहली कमाई। तो कैसा लग रहा है हमारी? सो गाइस मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर अब अभी कोई मुझसे आके बोले ना कि मुझे मतलब इतने पैसे चाहिए, तो पहले मैं सोचती थी ठीक है उनसे पूछ के बताऊंगी, अब मैं हक से दे सकती हूँ। और ये हमारा पैसा है, हम चाहे किसी की मदद करें, इससे कुछ भी कर सकते हैं, किसी को जरूरत पड़ेगी उसे दे सकते हैं, किसी से पूछना नहीं है कि हाँ भाई हम मतलब दे तो दादा गुस्सा करेंगे, ये गुस्सा करेंगे, वो गुस्सा करेंगे, मांगना है
नहीं ऐसा नहीं है गाइज, हम इससे किसी की भी मदद कर सकते हैं, किसी को जरूरत पड़े उसे भी दे सकते हैं, अपने किसी खर्चे में लगा सकते हैं बिंदास, बिना सोचे समझे। तो यूट्यूब सबसे सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छा है, आप लोग यूट्यूब पे काम करिए और वीडियो बनाइए और बहुत सारा प्यार और सपोर्ट पाइए और एक दूसरे को दीजिए। तो गाइज हमारा कितना पेमेंट आया है ये गिनो, नहीं ऐसे गिनने गिनना भी नहीं आ रहा गाइज क्योंकि मैंने कभी पैसे गिने ही नहीं है, कभी गाइज मैंने पैसे गिने ही नहीं है। तो गाइज जैसे आप देख सकते हैं इसे, ऐसे मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि इसमें एक्चुअल बताना नहीं होता कितना पेमेंट आया है, तो आप ये गेस कर सकते हैं कितना होगा। बाकी एक बार आप ऐसे ऐसे कर लो, दिखा देता हूं, 1 2 3 4 मुंह बंद रखना है, 6 7 8 9 10 11 12 गाइस ऐसे ही दिखा देता हूं क्योंकि सारी पेमेंट गिन के हम नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि ये मतलब कुछ हमें भी नहीं पता है दिखाते नहीं दिखाते, लेकिन सारे लोग यही बोलते हैं जितने भी यूट्यूबर्स, क्योंकि यूट्यूब ये कोई उसका प्राइवेसी है तो उसे हम वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही गेस कर लीजिए कितना होगा। बस मैं इतना बता देता हूँ कि इतना पैसा आया है ना कि आप चाहे गांव में, अगर गांव में आप खर्चा चलाना चाहते हैं अपने फैमिली का, तो 3 महीने आराम से अपना खर्चा चला सकते हैं पूरी फैमिली का, 2-4 लोग की, अगर 4 लोग की फैमिली है तो। और अगर शहर में आप रह रहे हैं ना किराए पे रह के 4,000 का मतलब रेंट पे लेके और अपना खर्चा सारा कुछ मेंटेन करके, तो आप वहाँ भी 1 महीने खूब आराम से कैसा भी फ्लैट लेके अपना सारा खर्चा मेंटेन करके रह सकते हैं। कैसा भी फ्लैट नहीं, बहुत महंगा फ्लैट रहता है, मतलब एक नॉर्मल, बहुत महंगा नहीं, नॉर्मल कार भी नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं, नॉर्मली जो लेते हैं वैसा लेके आप अपना 1 महीने का खर्चा आराम से निकाल सकते हैं, चला सकते हैं इससे खूब सारा अच्छे से। और अगर आप फोन लेना चाहें तो इससे एक फोन भी ले सकते हैं, 4GB रैम और 64GB एंड्रॉइड फोन मतलब रोम के साथ कोई भी फोन ले सकते हैं आप। तो आप गेस कर सकते हैं हमारी फर्स्ट पेमेंट कितनी आई है। तो गाइज ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बरसाते रहिए और बहुत सारा, बहुत मतलब अच्छा लगा हमें आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते, तो ऐसे ही सपोर्ट करिए गाइस, क्योंकि ये सिर्फ पैसे नहीं, आप सबका साथ प्यार और प्यार है। तो आप लोग भी देख सकते हैं ये आप लोग का प्यार है जो हमें मिला है, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बरसाए रहिए गाइस। तो हम मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।